आज एक बड़ी अच्छी सी कविता मिल गई जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। और ये कविता आज के परिवेश को देखते हुए कवि ने लिखा है और इसका एक एक शब्द मन को छू लेता है कि आखिर वो दिन कहाँ गए जब लोग घास फूस की झोपड़ी में एक ही छत के नीचे रोटी, सूखी सब्जी या वो भी नहीं नमक मिर्च लगा के खा करके सुकून से सोते थे। कहाँ गए वो दिन जब कोई मेहमान आता था तो घर से कोई न कोई बाहर निकल करके उसके पैरों को धुलता था और बड़े सम्मान के साथ उसका आदर भाव होता था। वो दिन कहाँ गए जहाँ पर अतिथियों को देवतुल्य माना जाता था। आज तो अपने ही सब लोग, अपने रिश्ते नाते, यहाँ तक कि रक्त संबंध निभाने में कोताही कर रहे हैं। और तो वह बूढ़े माँ बाप जो पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनको उस वृद्धावस्था में एक रोटी देने में बहुत कष्ट महसूस होता है। माँ बाप को भी बांट देते हैं दो भाइयों के बीच में कि 2 महीने माँ तुम्हारी तरफ, 2 महीने पापा मेरी तरफ। कहाँ गए वो दिन जब माँ बाप को श्रवण कुमार कंधे पर कांवड़ बनाकर लेकर चला था तीर्थ धाम कराने। सोचने पर बड़ा अफसोस होता है। कवि ने जो लिखा वो आज के परिवेश को देखकर लिखा है। कल थे कुछ हम बन गए आज अनजाने हैं, सब द्वार बंद टूटे संबंध पुराने हैं। हम सोच रहे यह कैसा नया समाज बना जब अपने ही घर में हुए हम वीराने हैं। कल जो क्या था आज तो हम अनजान, एक दूसरे से अनजान बन गए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द से अनजान बन गए हैं और जितने पुराने संबंध थे वो टूट चुके हैं। कभी ही सोचता है कैसा नया समाज आ गया जिसमें अपने ही घर में लोग वीराने हैं। वीराने मतलब अपरिचित है, एक दूसरे को कोई देखने वाला नहीं है। कैसा ये दिन आ गया, एक ऐसा समाज बना है। आधी रात अर्ध जग पड़ा अंधेरे में, सुख की दुनिया सोती रंगों के घेरे में, पर दुख का इंसानी दीपक जलकर कहता अब ज्यादा देर नहीं है नए सवेरे में। आधी रात को ही अंधेरा जग पड़ा, सारी दुनिया सुख की नींद में सो रही है, रंगों के घेरे, रंगों के घेरे मतलब अपने विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं को लेकर सो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर दुख पड़ा है वह दीपक जलाकर रात भर जगता है और यही कहता है कि अब ज़्यादा देर नहीं है, सवेरा होने वाला है। लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता है कि नहीं पूछने जाता है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। अपने शान शौकत, अपनी सुख सुविधा में लोग व्यस्त हैं, अपनी सुविधा को बढ़ाने में लोग व्यस्त हैं, लेकिन जो सुविधाहीन है, जिसके पास एक रोटी खाने का ठिकाना नहीं, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। हम जीवन की मिट्टी में मिले सितारे हैं, हम राख नहीं हैं, राख ढके अंगारे हैं, जो अग्नि छिपा रखी है हमने यत्नों से, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं। यह शरीर जो है मिट्टी है,
इसमें कोई ये कहे कि हमारी शरीर जिंदगी भर कायम रहेगी या ऐसे ही रहेगी, तो शायद उसकी गलत फहमी है। शरीर जो पृथ्वी पर आया नश्वर है और हमेशा अपने रूप को दिन प्रतिदिन खोता हुआ चला जाता है। जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल हैं वो परसों नहीं रहेंगे। दिन प्रतिदिन आप अपने सौंदर्य को खोते ही चले जाएंगे। तो किस बात का घमंड है, लोग क्या क्या सोचते हैं। तो ये जीवन जो है मिट्टी है, मिट्टी में मिले हुए सितारे के समान है, तारे के समान है। जैसे शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई, आत्मा प्रभु ने डाल दिया तो ये शरीर चमक उठी, लेकिन जिस दिन आत्मा चली गई उस दिन कौन देखने वाला है, कौन इसकी हिफाजत करने वाला है, कौन इसे क्रीम पाउडर तेल लगा के नहलाने धुलाने वाला है, कोई नहीं है। तो जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर की सुंदरता है, जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन शरीर बेकार हो जाएगा। हम राख नहीं, राख ढके अंगारे हैं। हम राख नहीं हैं लेकिन शरीर के अंदर अंगारे ढके हुए हैं। आग के अंगारे ढके हुए हैं, जो अग्नि छिपा रखी है हमने यत्नों से, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं। और जो अग्नि अपने मन में अपने प्रयासों से छिपा करके रखी है, यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो कुछ अपने प्रयास से आप छिपा कर रखे हैं, अपनी धन दौलत संपदा जितना भी छिपा कर रखे हैं, वह एक दिन प्रलय उतार देती है। प्रलय उतार देती है मतलब ऐसी आपदा आती है, ऐसा विपत्ति पड़ता है तो उसमें व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करता। आप देखे होंगे कोरोना काल में कितने बड़े बड़े आदमी पैसों से भरे बैग लेकर टहलते रहे, लेकिन पैसा काम नहीं आया। लोग यहाँ तक तैयार रहे कि जीवन बच जाए, इस व्यक्ति के बराबर पैसा लग जाए, हम दे देंगे, लेकिन जीवन नहीं बचा।